आज मैंने बनाई है केरी की सब्जी। तो मेरी पूरी वीडियो देखनी है तो चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं रेसिपी को करती हूँ स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरी पूरी सब्जी देखने के लिए मेरी पूरी वीडियो देखो। ये देखो आम, तो आज मैं बनाने वाली हूँ आम की सब्जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह आप सब अच्छे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छे से हूँ। और आज की मेरी रेसिपी है आम की सब्जी, वो भी सिर्फ 2 मिनट की। तो चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के आम की सब्जी की रेसिपी बनाने का स्टार्ट करती हूँ, वो भी सिर्फ 2 मिनट में, सिर्फ 2 मिनट में। तो चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके रेसिपी को करती हूँ स्टार्ट। और हाँ, ये रेसिपी बहुत ईजी है, एकदम ईजी है और बहुत टेस्टी और बहुत लाजवाब बनती है। इंशाल्लाह आप लोग मेरी तरह बनाने की ट्राई करना और मेरी रेसिपी हो सके तो पूरी देखने की कोशिश करना, तो इंशाल्लाह बहुत टेस्टी बनेगी आपकी रेसिपी। सबसे पहले आम को अच्छे से धोना है, फिर इसकी चीरियां करनी है। चलो मैं चीरी कर, ऐसे कच्चे पक्के आम है, देखो ये आम थोड़े कच्चे पक्के होने चाहिए। और मैं दो आम का सब्जी बनाती हूँ, दो आम की सब्जी बना रही हूँ। तो मैंने बिस्मिल्लाह बोल के तपेली तो रख ही दिए, अब इसमें तेल डाल के मेथी की दाना डालती हूँ और प्याज डालती हूँ। तो ये रमानी रही बोल के मैंने तेल तपेली रख दी है, तेल को अच्छे से गर्म होने देती हूँ अब। और इसमें जाएगा मेथी के दाने, बिस्मिल्लाह रमानी रही, और वो भी खूब सारे इतने सब, बिस्मिल्लाह रमानी रही बोल के मैंने मेथी के दाने डाले। और अब इसमें जाएगी थोड़ी सी वरियाली, वरियाली ज़्यादा मिल जाएगी, ये वरियाली। गैस की फ्लेम हो गई है बंद, और मैंने मेथी वरियाली दोनों को तेल में डाल दी अच्छे से। और ये तेल, गैस का फ्लेम आजकल क्या खबर इसको क्या हुआ है, गैस घड़ी घड़ी मेरा बंद हो जाता है। और ये देखो मैंने केरी को इस तरह से चिरियों में काट लिए और प्याज को काट लिया, अल्लाह पाक, केरी को इस तरह से काट लिए मैंने, छिलटे के साथ ही काटी है इस तरह से। और गुटली को भी मैं फेंकूंगी नहीं, गुटली को भी मैं सब्जी में ही डालूंगी बिस्मिल्लाह बोल के। तो इसको अच्छे से चटकने पटकने देना है, मेथी को और वरियाली की खुशबू को अच्छे से चटकने पटकने देनी है, ताकि बहुत अच्छी रेसिपी बनती है। और एक बार मेरी तरह, मेरे कहने पर नहीं, एक बार बना के ज़रूर देखो, बहुत टेस्टी बनती है। अब दूसरी सारी सब्जी खाने का भूल जाएंगे अगर ये सब्जी हो ना, खट्टी मीठी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। और इजी तो इतनी है ना, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैं क्या बात करूँ, इतनी इजी 2 से 3 मिनट में आराम से बन जाती है। बस ये गैस की फ्लेम, गैस अगर साथ दे देवे ना तो फटाफट हो जाए। मेरा गैस बहुत फास्ट ही लगता है, लेकिन अमुक फेरी बंद हो जाता है, थोड़ा नाटक करता है, क्या करने का, अभी नया लिया है फिर भी नाटक कर गया है। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखो ये अच्छे से चटक रहे, इसमें से स्मेल आ रही है। तो बिस्मिल्लाह बोल के मैं डालूँगी प्याज, मैंने दो डल्ली मेरे पास केरी है तो मैंने 2 डल्ली प्याज डाली है। और प्याज को अच्छे से ब्राउन कलर की कर लेनी है, तो मैं प्याज को पहले, सबसे पहले मैं प्याज ब्राउन होने देती हूँ। मेरे को मोबाइल करना पड़ेगा, प्याज ब्राउन होते नहीं दिखा सकती, जो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं इसको ब्राउन होने देती हूँ, तब तक मोबाइल को। मसाला प्याज, मैंने मसाले में हल्दी मिर्ची धाने और अदरक लहसुन का पेस्ट, ब्राउन कलर का मोस्ट, मसाले में मैं बोलना भूल गई, सिर्फ नमक मिर्ची हल्दी और अदरक लहसुन का पेस्ट ही डाला है मैंने। तो ये देखो कितने अच्छे से ब्राउन कलर हो गए ना। अब ये मसाला जो मैंने पानी डाल के भिगो के रखा है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के इसमें डालेगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको अच्छे से भूनो। अल्लाह अकबर, मैं बहुत मोबाइल को फास्ट में ले जाती हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी जाएगा और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के बस इसको भी, मेरी रेसिपी भूनने भानने वाली होती नहीं, आप सबको पता है, तो मैं इसको भूनूंगी भानूंगी कुछ भी नहीं, बस 1-2 से 3 सेकेंड थोड़ा और पानी जाएगा। पानी डालने से मसाले की मिर्ची के जलता नहीं है, थोड़ा पानी डाल देने का अच्छा रहता है। क्या मस्त खुशबू आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर,
मैं बोले बिगैर रह नहीं सकती। और बस हो चुका है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के मैंने केरी को डाल दी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मेरी ये सब्ज़ी ऑलमोस्ट केरी को बहुत ज़्यादा गलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो मैंने बड़े बड़े टुकड़े रखे, इतनी टेस्टी केरी की लाजवाब सब्ज़ी बनती है, लाजवाब बहुत मस्त बनती है, एक बार ज़रूर बना के ट्राई करना। ये देखो अच्छे से केरी डाल के इसको थोड़ा सा भून लेती हूँ केरी में, देखो इतनी टेस्टी इतनी लाजवाब सब्ज़ी बनती है ना, एक बार आप लोग बना के देखो ना, मज़ा आ जाएगी ऐसा कह, सही में बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी है। और इसमें कोई चीज़ भी नहीं, मसाले तो बिल्कुल सिंपल, अदरक लहसुन ना हो तो भी चलेगा। हाँ अब इसमें मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा पानी डालती हूँ, जितनी आपको ग्रेवी करनी हो बस मैंने मसाला भूनूंगी नहीं, ये भुना चुका है, बहुत अच्छे से भुना चुका है। कुछ देर के लिए थोड़ा और 5 से 10 मिनट इसको मैं धीरे फ्लेम को मैं धीरी कर देती हूँ और 5 से 10 मिनट खुला ही छोड़ देती हूँ। और उसके बाद आपको जितनी भी ग्रेवी करनी हो उतनी ग्रेवी भी इसमें कर सकते, ग्रेवी वाला भी बना सकते, लुखा भी बना सकते, जैसा पसंद हो ऐसा। क्या खुशबू आ रही है केरी के अंदर, डालते ही केरियों को डालिए तो बहुत मस्त खुशबू आ रही है। तो चलो मैं 5 से 10 मिनट इसको ढाँप के रख देती हूँ, 5 से 10 मिनट सिर्फ ढाँपती बोल के ढक्कन को खोलती हूँ। आह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर, देखो कितनी प्यारी सी है। अब मेरे को इसमें थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए है, सुभान अल्लाह। इसको मैंने 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था ताकि अच्छे से थोड़ी केरी गल जावे। और गैस की फ्लेम अभी मैंने फास्ट कर दी है, बिस्मिल्लाह तेल आ चुका है, देखो मैंने पानी डाल दिया है। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए इतनी, इसकी गमे इतनी ग्रेवी होती है ना, यम्मी यम्मी बनता है। ये खट्टी मीठी सब्ज़ी बनाती हूँ मैं, यम्मी बनती है, बहुत प्यारी बनती है। देखो देखने में इसका कलर, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मेहनत कुछ नहीं, मसाले कुछ नहीं, बस सब्ज़ी बहुत टेस्टी, एक ने एक सब्ज़ी खा के आप बोर हो जाते। और इसमें जाएगी अच्छे से शक्कर, चीनी थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में होती है तो अच्छी लगती है, बहुत मस्त बनती है। बस इसमें 1 से 2 खदखदी लगा दो, इसमें मैं धीरा कर देती हूँ गैस की फ्लेम। हाँ मेरे बच्चे, तो ये अच्छे से उकल चुकी है, देखो मैंने सब्ज़ी थोड़ी देर के मोबाइल बंद कर दिया था, उकल चुकी है अच्छे से सब्ज़ी। बस इसको मैं सर्व करती हूँ, 5 से 10 मिनट और मैंने उकाली है, देखो इसकी ग्रेवी, इसकी ग्रेवी पतली पतली होती है लेकिन खाने में बहुत मस्त लगती है। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दिया करो, तो फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, सब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरे को भी अल्लाह हाफिज़ करने की बहुत जल्दी रहती है, देखो बस खटखट गई है, अच्छे से मेरी केरी की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी है, टेस्टी बनी है। अगर मेरी तरह एक बार बना के देखो, और चलो मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को सर्व करके बताऊँ।